एक बार एक राजा था। वो बाकी राजाओं से थोड़ा अलग था। आमतौर पर लोग बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवरों को पालते हैं, लेकिन इस राजा ने अपने महल में एक बंदर पाला हुआ था। उसकी जनता और उसके मंत्री उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो परवाह नहीं करता था। राजा और बंदर अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे, सुबह से लेकर रात तक। एक दिन दोपहर में खाने के बाद राजा ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, और वो बिस्तर पर लेट गया। बंदर उसके साथ बैठकर उसे पंखे से हवा करने लगा ताकि वो आराम कर सके। तभी एक मक्खी आई और राजा को परेशान करने लगी। ए मक्खी, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाओ यहाँ से। गुस्सा मत करो, मैं राजा और तुमसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो कल दरबार में आ जाना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। पर अभी जाओ यहाँ से, राजा की नींद खराब मत करो। मुझे पता है राजा आराम कर रहे हैं, उन्हें सोने दो। लेकिन तुम तो मेरी बात का जवाब दे सकते हो ना? अच्छा, जल्दी से पूछ लो और जाओ, वरना राजा जाग जाएंगे। पूछो, क्या पूछना है? कुछ नहीं, लोग कहते हैं कि तुम और राजा दोनों बेवकूफ हो। मैंने खुद सुना है ऐसा, मुझे ये देखना है इसमें कितनी सच्चाई है। ए मक्खी, तुम्हारी मेरे जैसे वफादार बंदर से ये सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे और राजा के बारे में ऐसा कहा, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाऊंगा। अब तेरी खैर नहीं। जैसे ही बंदर ने अपने हाथ उठाए, मक्खी उड़कर राजा के सीने पर बैठ गई। अभी बताता हूँ कि तुम जीतती हो या फिर मैं। अच्छा, देखते हैं। कहाँ है चाकू? फिर बंदर ने राजा के पास रखे चाकू को उठा लिया और मक्खी को मारने की कोशिश की। मक्खी तो उड़ गई, पर चाकू राजा के सीने में घुस गया और राजा मर गया। बंदर को पता चल गया कि उसकी बेवकूफी से क्या हो गया है। मॉरल है, हमें अपने आसपास बेवकूफों को नहीं रखना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों से दोस्ती रखेंगे तो नुकसान होगा। Come on little bunnies, give thumbs up for the video, share with your friends and subscribe to our channel for more awesome videos.